जब भी सामान ढोने की बारी आती है हम हमेशा रेक्टेंगल ट्रक का यूज करते हैं, उसका जो डाला होता है वो रेक्टेंगल होता है, लेकिन जब भी लिक्विड को ट्रांसपोर्टेशन करने की बारी आती है तब हम वहां पे यूज करते हैं गोलाकार टैंकर। ऐसा क्यों होता है कि आपने कभी सोचा है? नमस्कार, मैं सरोज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरोज का फैक्ट ज्ञान में। दोस्तों, जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, वो कॉर्नर पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर देता है और ज्यादा प्रेशर देने की वजह से उसका जो कॉर्नर है वो बहुत ही जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, जिससे उसके रख रखाव का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसे ही हम इसको एक राउंड शेप में कन्वर्ट कर देते हैं तो राउंड शेप में तो कोई कॉर्नर होता ही नहीं है, इसीलिए ऐसा राउंड शेप में करने के कारण वो बहुत ही कम खराब होता है और उसके रख रखाव की कॉस्टिंग बहुत ही कम हो जाती है। इसीलिए लिक्विड पदार्थ को जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम हमेशा राउंड टैंकर का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा जो आज का हमारा फैक्ट है वो भी बहुत ही मजेदार है। हम सभी ये सोचते थे कि बचपन में हमें अगर नोट बनाने वाला कागज मिल जाए तो हम भी घर में नोट को छाप सकेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नोट बनाने में कागज का प्रयोग होता ही नहीं है। नोट बनाने में जो प्रयोग होता है वो होता है कपास का। नोट जो बनता है 100% कॉटन यानी कपास का बनता है और इसीलिए उसकी लास्टिंग बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों, एक से एक बिजनेस आइडिया आते रहते हैं मार्केट में। इसी तरह से एक नया बिजनेस आइडिया आया है मलेशिया और अमेरिका में, जो बिजनेस अभी बहुत ही चल रहा है, एक कैफे रेस्टोरेंट का। कैफे रेस्टोरेंट ऐसे बहुत हैं, पर अभी एक नया कैफे रेस्टोरेंट शुरू हो चुका है जिसमें लोग बात नहीं करते हैं, मतलब उसे नाम दिया गया साइलेंट कैफे रेस्टोरेंट। मतलब वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लगाया गया था कि जो डीफ एंड डम लोग होते हैं, जो मूक बधिर लोग होते हैं, उनको वहाँ पे काम मिल सके और धीरे धीरे इस तरह से उनका भी कुछ उद्धार हो सके। पर अब धीरे धीरे ये प्रचलन इतना बढ़ गया और लोग इसे इतना पसंद करने लगे कि वहाँ पे नॉर्मल लोगों को भी इम्प्लॉय बनाया जा रहा है और नॉर्मल लोग भी वहाँ जाके, बस आपको वहाँ जाके कुछ बोलना नहीं रहता, आप इशारे में ही ऑर्डर कीजिए, इशारे में ही बिल पेमेंट कीजिए, सारा काम इशारों में। जिन्हें शोरगुल से बहुत ही नफरत है, जो शोरगुल से बहुत ही ज़्यादा पक गए हैं, वो इस रेस्टोरेंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जिसका नाम दिया गया है साइलेंट कैफे रेस्टोरेंट। तो आप कब जा रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।